नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं आर पार। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के एक बयान पर हंगामा मच गया है। उन्होंने कहा है कि जनसंख्या को लेकर देश में सभी धर्मों के लिए कानून बनना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि धर्मांतरण के चलते हिंदुओं की संख्या कम हो रही है और आबादी में असंतुलन हो रहा है, खड़ा हो रहा है। लेकिन जनसंख्या पर कानून की चर्चा होते ही कुछ लोगों को बहुत दर्द होता है और मिर्ची भी लग जाती है। इसे तुरंत धर्म से जोड़ दिया जाता है, लेकिन असल में यह मुद्दा धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, देश की तरक्की से जुड़ा हुआ है, देश की डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। आप खुद सोचिए, 50 बच्चों के लिए एक टीचर हो और दूसरी तरफ 30 बच्चों के लिए एक टीचर हो, तो इसमें से ज्यादा अच्छा क्या होगा हमारे देश के लिए। देश में हर व्यक्ति की आय यानी पर कैपिटा इनकम साल में 1 लाख हो तो अच्छा होगा, या फिर साल में 3 लाख हो तो बेहतर होगा, क्या अच्छा होगा आप ही बताइए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह मुद्दा धर्म से नहीं बल्कि राष्ट्रहित से जुड़ा है, लेकिन ओवैसी जैसे नेता, कुछ मौलाना इसे देश हित के साथ नहीं जोड़ते हैं। इस देश हित के मुद्दे को भी धर्म की मिलावट के भेंट चढ़ा देते हैं। इसलिए आज इनका सच से सामना करवाना बेहद आवश्यक है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, आबादी असंतुलन के पीछे धर्मांतरण। हमारे देश में कन्वर्शन होने से, मतांतरण होने से कई जगह पर संख्या हिंदुओं की कम होती है, उसके परिणाम भी भुगतना पड़ता है। ये जो किसी न किसी प्रकार से मतांतरण करने की कई साजिश है, यह भी एक जनसंख्या को दूसरा घुसपैठी। दत्तात्रेय होसबोले के इस बयान के बाद आबादी असंतुलन पर नई जंग छिड़ गई। ये समय समय पर इस बार पर चिंता व्यक्त की जाती रही है, ये सही है। जनसंख्या को नियंत्रित करने के उपाय हम सबको खोजने होंगे। पॉपुलेशन से रिलेटेड जो बयान आया है उससे हम लोग बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हैं, क्योंकि वो कहीं से फैक्ट्स एंड फिगर्स से मैच नहीं खा रहा है। सिर्फ मुसलमानों से नफरत फैलाना इनका काम बन चुका है, दिन रात यही काम करना। भारत में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है विश्व में किसी देश में नहीं है। इससे पहले खुद संघ प्रमुख भी उदाहरण के साथ बता चुके हैं कि आबादी असंतुलन के चलते कई देशों के टुकड़े हो चुके हैं। जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो, एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले। जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। पूर्व तिमोर नाम का एक नया देश बना, दक्षिण सुदान नाम का नया देश बना, कोसोवो बना। इस मुद्दे पर जो लोग धर्म की सियासत ताली ताल ठोक रहे हैं, आज उन्हें कुछ तथ्य बताने जरूरी है। मसलन 1951 में भारत की आबादी में 9.8% मुसलमान थे, 2011 में उनकी हिस्सेदारी बढ़कर 14.2 हो गई। इसी दौरान हिंदुओं की आबादी 84.1 से घटकर 79.8 हो गई। जनसंख्या नियंत्रण इस दृष्टि से भी जरूरी है कि जितने हमारे संसाधन हैं उन संसाधनों के दृष्टिगत रखते हुए, और जनसंख्या नियंत्रण का समर्थन पूरा देश कर रहा है। इसी आधार पर आबादी असंतुलन का मुद्दा उठ रहा है, लेकिन मुद्दा किसी धर्म का नहीं। तथ्य ये है कि किसी भी देश में संसाधन सीमित होते हैं, आबादी बढ़ेगी तो संसाधन कम होंगे, लोगों की जरूरत पूरी होने में दिक्कतें होंगी। यानी कुल मिलाकर आबादी का मुद्दा देश की तरक्की से भी जुड़ा है। तो सवाल है कि क्या इसमें धर्म का एंगल फिट करके कुछ लोग देश की तरक्की के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। अगर घुसपैठिए देश के अंदर आएंगे तो वो किसकी रसद खाएंगे, आम नागरिकों की? अगर घुसपैठिए देश के अंदर आएंगे और वो नागरिक बन जाएंगे धीरे धीरे करके, जैसे हुआ इस देश के कई भागों में, असम में, बंगाल में, बिहार में, पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसा हुआ है, तो वो किसकी रसद खा रहे हैं? देश के नागरिकों की? वो किसके मत में अंतर डाल रहे हैं, देश की सरकारों के? तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। इसीलिए ये जो असंतुलन है ये देश के लिए घातक है। और आज
मैं इसका धार्मिक विश्लेषण नहीं करने वाला हूं, मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाने वाला हूं। आबादी से बर्बादी के कनेक्शन का विश्लेषण सुनिए। मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि कहां कितने मुस्लिम बढ़ गए, कहां कितने हिंदू कम हो गए, लेकिन मैं बताऊंगा भारत के बाद भूभाग दुनिया में कितना है, 2.3%, और भारत में दुनिया की आबादी कितनी है, 17.7%। यानी कितना बड़ा डिसबैलेंस है ये, और ये जो डिसबैलेंस है ये बढ़ता जा रहा है। और अगर ये डिसबैलेंस बढ़ता जाएगा, और जैसा हमने कई सीमावर्ती राज्यों में देखा है, वहां पे समस्या बड़ी विकराल हो गई है। बढ़ता हूं मैं आगे, 1947 में भारत की में प्रति व्यक्ति पानी 6,000 घन मीटर था, 6,000 घन मीटर, और अब प्रति व्यक्ति पानी है 465 घन मीटर, यानी 2025 के अंदर ये इतना हो जाएगा। बढ़ता हूं मैं आगे, भारत प्राइमरी स्कूल की मैं बात कर रहा हूं, 6.3 बच्चों पर एक टीचर है, जबकि जापान के अंदर 16.4 बच्चों पर एक टीचर है। जापान एक विकसित देश है, आबादी संतुलित है, बेहतर है, यहां पर हर एरा गैरा नेतू कैरा इनके यहां रहने नहीं लग जाता, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है। उसको वो नागरिकता नहीं दे देते, उसको वो वोटर आई कार्ड नहीं दे देते, उसको वो आधार कार्ड नहीं दे देते। ये बात समस्या है। इस समस्या को आप अगर आप डिफेंड करते हो तो आप देश की तरक्की को रोकते हो। मैं बढ़ता हूं आगे, बड़ा भारत और ब्रिटेन में प्रति व्यक्ति आय बताता हूं मैं आपको, $2,283 भारत में, ब्रिटेन में $47,203, यानी आप खुद सोचिए कितना बड़ी डिस्पैरिटी है। इसी डिस्पैरिटी को कम करने के लिए हमें आबादी का संतुलन चाहिए, घुसपैठियों को रोकना भी जरूरी है, और अब जो आबादी बन चुके हैं घुसपैठिए इस देश के अंदर, उनको आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है।